आज समय आ गया है हम स्वयं को और स्वयं की उपलब्धियों को जाने, अपनी महान मान्यताओं और उपलब्धियों पर गर्व करना सीखें। हमें आधुनिक विज्ञान के साथ साथ जो एंशियंट नॉलेज सिस्टम को भी जरूर जानना और समझना होगा कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने इस पर किस प्रकार से काम किया था। भाइयों बहनों, ज्योतिष को वेद विज्ञान भी कहा गया है और वेदों की आंखें भी माना गया है। आज नासा में भी नासा के लोग भी मानने लगे हैं कि ज्योतिष विज्ञान के द्वारा बहुत सी जो भौगोलिक घटनाएं हैं उन घटनाओं को भली प्रकार से जाना जा सकता है, उनके बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है और भली प्रकार से उनको समझा जा सकता है। ज्वार भाटा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि घटनाएं इसका उदाहरण है। हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में उत्तराखंड ज्योतिष परिषद का भी गठन किया है, जिससे हमारी जो भावी पीढ़ी है आने वाले समय में हमारे इस ज्ञान का, इस विज्ञान का, ज्योतिष के ज्ञान का लाभ उठा पाए। विशेष प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरे विश्व के अंदर भारत की जो संस्कृति है उसकी धर्म ध्वजा पुनः पूर्ण गौरव के साथ आज संपूर्ण विश्व में फहरा रही है। हमारे जो देवस्थान हैं उन देवस्थानों का नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, उनका एक तरह से फिर से उनको एक नए रूप मिलाने का काम इस कालखंड में हो रहा है। आप देखिए कि आज हमारे सामने बहुत सुंदर अवसर और ऐसे पल का हम सबको साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। भगवान राम त्रेता युग में पैदा हुए, एक समय वो कालखंड था जब उस समय के लोगों को भगवान राम के राम राज्य को देखने का अवसर मिला, ठीक से उनको देखने का अवसर मिला और उसके बाद हम लंबे प्रतीक्षा के बाद अब हम सब लोग 22 जनवरी को रामलला विराजमान हो रहे हैं। उस अवसर का हम सबको साक्षी होने का अवसर मिला। हमारा सौभाग्य 5000 वर्ष से ज्यादा तो कलयुग के ही बीत गए, इतने हो 5127। मैं कलयुग की बात कर रहा हूँ, अब द्वापर का तो मुझे नहीं पता वो कितने वर्ष का था, लेकिन तो अब सीधे हमने जो है जो उस समय का त्रेता युग था सीधे जो अभी कलयुग चल रहा है वो बीच के वर्षों को घटा दिया जाए तो हम वहीं पहुंच गए दोबारा। यहाँ मैं कहना ही चाहता हूँ तो ये अवसर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के कारण से हम सबको मिला, क्योंकि लंबे समय से प्रतीक्षा थी। आजाद भारत के इतिहास में भी लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे और हर एक राम भक्त और राष्ट्र भक्त ये चाहता था कि भगवान जहाँ पैदा हुए हैं वो वहाँ विराजमान हो। और उत्तराखंड के लोगों का, देश के लोगों का बहुत बड़ी वहाँ कार सेवा हुई और गली गली में सब नारा लगाते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और अब राम लला वहाँ आ रहे हैं, विराजमान हो रहे हैं, हम सबको इस अवसर का साक्षी होने का अवसर मिल रहा है। मैं भी विद्यार्थी काल में जब पहली बार अयोध्या गया, रामचंद्र परमहंसी उसके अध्यक्ष थे उस समय, तो उनके आश्रम में, उन्हीं के परिसर में मैं रुका था और मैंने नजदीक से देखा कि भगवान राम लला उस समय टेंट में है, तो मन बड़ा व्यथित हुआ कि इतने राम भक्त जाते हैं, इतने राष्ट्र भक्त जाते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग जाते हैं, आस्था और श्रद्धा के हमारे जो है भगवान राम वो टेंट में है। तो मैं लौट कर आया, उसके बाद अब मुझे जाने का अवसर मिला। अक्टूबर माह में 2021 में
और आप देखा तो उससे पहले ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ चुका था, और वहाँ क्या भव्य और दिव्य निर्माण हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि केवल भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक ऐसा स्थल बनने जा रहा है कि जहाँ आने वाले समय में दुनिया के लोग आएंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने वहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस, नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, तमाम सुविधाएं आज वहाँ से हो रही है। हम भी उत्तराखंड राज्य की तरफ से वहाँ हमने उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया था कि हमको भी वहाँ पर जमीन दे दें, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि मैंने हमको जमीन दे दी है। और जल्दी ही हमारा भी एक जो है वहाँ पर भवन बन जाएगा, और उत्तराखंड के लोग भी वहाँ जब भी जाएंगे तो उनके लिए भी वहाँ एक स्थान होगा कि राम के दर्शन भी करेंगे और स्थान भी होगा। आज हम प्रधानमंत्री जी मोदी जी से प्रेरणा लेकर सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए उत्तराखंड के अंदर भी अनेकों अनेक कामों को आगे बढ़ाने का हमने प्रयास किया है। कुछ पर हमने निर्णय भी लिए हैं, कुछ चुनौतियां भी हमारे सामने आई हैं, कठिन चुनौतियां भी थी। आप सब लोग ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, और सबसे बड़ी बात है भविष्य को देखने वाले हैं। कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, या आने वाले समय में क्या होने वाला है, उससे बढ़िया आप लोगों से बढ़िया कौन जान सकता है। तो हमने उत्तराखंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए, यहाँ का जो मूल स्वरूप है, देवभूमि है, हम कहीं भी देश दुनिया के अंदर जाते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम उत्तराखंड से आए हैं, तो लोगों का जो एक देखने का नजरिया है या उनके मन का भाव है, वो अपने आप में एक अलग प्रकार का हो जाता है। उनको लगता है कि देवभूमि से आए हैं, कितने सात्विक हैं, कितने सनातनी हैं, कितने धर्म को मानने वाले हैं, कितने देवों के नजदीक के हैं। तो ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप देवभूमि का बना रहे, इसके लिए हमने हर संभव प्रयास और प्रयत्न किया है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में, यहाँ अतिक्रमण था, जंगलों में अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण, उस अतिक्रमण को भी हमने हटाया और 5,000 एकड़ जमीन अभी तक हमने इससे मुक्त करा ली। धर्मांतरण का हम कानून यहाँ पर हमने बनाया है। ऐसे अनेकों काम आज यहाँ का मूल स्वरूप बना रहे, उसके लिए हम कर रहे हैं। जो भी सनातन संस्कृति के संवर्धन के लिए जरूरी है, उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी यही प्रार्थना करूंगा, अनुरोध करूंगा कि हमने उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का संकल्प लिया है, और ये संकल्प हमारा विकल्प रहित है। उसमें आप सभी ज्योतिषाचार्यों का, सभी विद्वानों का, सभी हमारे ऋषि मुनियों का, मैं कहूँगा आधुनिक भारत के, आधुनिक कालखंड के आप सब ऋषि मुनि हैं, आप सबका आशीर्वाद। वैसे तो मैं हर वर्ष आकर लेता हूँ, और पिछले वर्ष मैं कह रहा था, यहाँ पिछले वर्ष बाहर था कार्यक्रम, क्यों कमल जी बाहर था ना, तो मैंने सबको छूने की कोशिश करी कि जिससे कि आप सबके थोड़े थोड़े पुण्य जो है मुझे भी प्राप्त हो जाए। इस बार भी मैंने आप ही सबसे पहले यही काम किया है, और अच्छा हुआ। जैसे वैसे तो मैं सोच रहा था जल्दी जाना है, लेकिन अनूप जी ने बहुत सोच समझ के किया होगा कि सारे ही जितने विद्वान आए हैं देश भर से, सबको मुझे नजदीक से मिलने का अवसर मिला, और सब ने कान में आके कुछ ना कुछ आशीर्वाद दिया हमें, जो है उन सबका धन्यवाद करता हूँ। अंत में मैं आप सभी का, आयोजकों का धन्यवाद करते हुए कि आपने मुझे इस विशेष कार्यक्रम में आमंत्रित किया, मुझे इतने विद्वान ज्योतिषियों का एक साथ सानिध्य प्राप्त हुआ, जिनको मैं हृदय से प्रणाम करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर।